सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, कारगर रही पीएम मोदी की नीति, सबका साथ सबका विकास जनता ने सराहा। केंद्र ने हिल स्टेशनों पर कोरोना प्रोटोकॉल के हो रहे उल्लंघन पर दी चेतावनी, कहा महामारी अभी खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट पहुंची छत्तीसगढ़ सरकार, आईपीएस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कैविटी दायर। भारत में ब्लैकलिस्ट हुआ न्यूजीलैंड मूल का ब्लॉगर कार्ल रॉक, वीजा नियमों का किया था उल्लंघन। केरल में जीका वायरस का प्रकोप, 14 मामले मिलने के बाद अलर्ट जारी, पड़ोसी राज्य भी हुए सतर्क। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में, मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। सुल्तानपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान दो प्रत्याशी के समर्थक आपस में ही भिड़ गए, इस दौरान दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। वहीं विवाद होता देख मौके पर मौजूद पुलिस बल ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बता दें कि बीजेपी ने यहां उर्मिला सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कुंवर बहादुर सिंह उर्फ पप्पू चुनाव मैदान में। कुंवर बहादुर बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी का बेहद करीबी बताया जा रहा है। आरोप है कि सूर्यभान पट्टी गांव से क्षेत्र पंचायत सदस्य सोमरथि देवी अपना मतदान करने के लिए अपने बेटे रोहित के साथ जा रही थी। जिलाधिकारी के आदेश पर रोहित ने अपनी मां की पावर ऑफ अटर्नी ले रखी थी, लिहाजा वो अपनी माता के साथ अंदर जा रहे थे। बस यही बात विरोधियों को नागवार लगी। मतदान केंद्र के बाहर पहुंचते ही विरोधियों ने इसकी पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच विवाद हो गया। विवाद होता देख मौके पर मौजूद पुलिस बल सक्रिय हुई और विवाद कर रहे लोगों को भगाया, तब जाकर स्थिति सामान्य हो सकी। भारतीय जनता पार्टी से कि जो उर्मिला सिंह है, जो प्रस्तावक भाजपा के हैं, उनको टिकट मिला है, वो लोग हमें ज़बरदस्ती छीन रहे थे कि तुम्हें वोट नहीं देना है, कि हम सोचा कि हमने सिर्फ कुंवर बहादुर सिंह को वोट देंगे, कि हम उनके प्रस्तावक हैं माता के। मेरे माता जी आई थी कि हमें ज़बरदस्ती ये लोग मार रहे थे। माता जी कहें क्या मार रहे, क्यों वो लोग कहें। जनपद सुल्तानपुर से भाजपा प्रत्याशी बनाया गया, मेरी माता जी बनाई गई हैं और मैं भाजपा प्रत्याशी के लिए यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं सर, मैं उसको देखने आया था। सर यहाँ जो है निर्दल प्रत्याशी कुंवर बहादुर सिंह के जितने समर्थक हैं सर, वो गुंडई कर रहे हैं, वो सर हमारे वोटरों को वोट नहीं देने दे रहे हैं, वो सर प्रभाव डाल रहे हैं, पकड़ के खींच रहे हैं, वोटर को वोट नहीं देने दे रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं सर। आज जहां कई युवा गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो वहीं कई ऐसे युवा हैं जो समाज में एक मिसाल कायम कर रहे हैं। आशियाना कॉलोनी राजा बिजली पासी किला के रहने वाले छात्र, जिनका नाम आकाश त्रिपाठी है, वो समाज में ज़रूरतमंदों की मदद के लिए लगातार हाथ बढ़ाकर समाज के सामने एक मिसाल कायम कर रहे हैं। 20 साल के छात्र आकाश त्रिपाठी ने अपने जन्मदिन के मौके पर असहाय ज़रूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया, साथ ही पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सैकड़ों पौधे वितरित किए। आकाश ने अपने जीवन का लक्ष्य पर्यावरण, भूख और शिक्षा के प्रति काम करना तय किया है। आकाश ने सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कोरोना काल के दौरान लोगों को मास्क वितरित कर सुरक्षित रहने का संदेश भी दिया। वहीं आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र में एसडीएम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां एसडीएम ने एक अवैध क्लिनिक पर छापेमारी की है। बता दें कि क्लिनिक में बिना डॉक्टर के महिला की डिलीवरी की जा रही थी। वहीं एसडीएम ने इस मामले में एक्शन लेते हुए क्लिनिक को सील कर दिया है, साथ ही अवैध क्लिनिक से कथित डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया है। आगरा के खंदौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने शराब का एक बड़ा जखीरा पकड़ा है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ब्रांडेड शराब की करीब 230 पेटियां बरामद की, साथ ही पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 4000 रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो काफी समय से हरियाणा की शराब को बिहार भेजने का काम कर रहे थे। थाना खंदौली ने एक कैंटर पकड़ा है, उस कैंटर में कुल 225 से 230 पेटियां शराब मिली हैं। शराब जो है वो मैकडोनल्ड्स और ऑफिसर्स चॉइस उस पर लेबल लगा हुआ है। जो अनुमानित कीमत है शराब की वो 15 से 20 लाख है, और जो तरीका था शराब को ट्रांसपोर्ट करने का, वो कैंटर में पहले शराब रखते थे,
उसके बाद उसको छुपाने के लिए चारों तरफ से उसके गन्ने ये लोग लाद देते थे ताकि अगर कोई चेकिंग भी कहीं पे करे तो। शराब का बड़ा ज़खीरा पकड़ पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पर ये बताया गया है कि ये शराब हरियाणा ब्रांड की है और इस शराब को ये तस्कर बिहार में ले जाते थे, जहां पर ऊंचे दामों में इन शराब को बेचा जाता था और मोटी कमाई की जाती थी और इससे राजस्व को बड़ा चूना लगाया जा रहा था। तो पकड़े गए आरोपियों ने खुद कबूल किया है कि इस तरह की शराब वो लगातार लेकर जाते थे और बिहार में जाकर उसकी सप्लाई किया करते थे। वहीं इटावा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडई सामने आई। बीजेपी के जिलाध्यक्ष और विधायक की एसपी से जमकर नोकझोंक हुई। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एसपी सिटी को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए और पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। एसपी सिटी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एसपी सिटी कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग मारपीट कर रहे हैं और हथगोले लेकर घूम रहे हैं। वहीं लखनऊ में छात्र विंग रोजगार गारंटी पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सभाजीत ने पदयात्रा में शामिल हुए सभी लोगों का स्वागत किया। आपको बता दें, आयोजित की गई सामाजिक पदयात्रा परिवर्तन चौराहे पर समाप्त हुई, जिसके बाद सामाजिक परिवर्तन स्थल पर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया और पदयात्रा का समापन किया गया। आपको बता दें कि साथ ही सैकड़ों की संख्या में लोग आम आदमी पार्टी के छात्र विंग रोजगार गारंटी पदयात्रा में शामिल हुए थे। देखिए, 1 जुलाई 2021 को प्रयागराज के आजाद पार्क से एक रोजगार गारंटी पदयात्रा उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के लिए चली थी, जो आज 10 दिन की यात्रा तय करने के बाद लगभग हर रोज 20 से 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करने के बाद लखनऊ पहुंची है। इस रोजगार गारंटी पदयात्रा का सीधा सीधा लक्ष्य और मकसद ये था कि आज उत्तर प्रदेश में जो तमाम भर्तियां, चाहे वो शिक्षक भर्ती का मसला हो, दरोगा भर्ती का मसला हो, या यूपी SSSC में जितनी भर्तियां निकाली गई, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी सरकार ने तमाम भर्तियां निकालकर उनसे आवेदन फॉर्म के नाम पर। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 825 सीटों पर ब्लॉक प्रमुख का मतदान और मतगणना सुबह 11 बजे से 3 बजे तक हुआ। इस मौके पर सरोजनी नगर ब्लॉक पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, साथ ही सड़क के दोनों तरफ बैरिकेटिंग लगाई गई। आपको बता दें कि सरोजनी नगर विकास खंड में क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने धांधली का आरोप लगाकर जमकर हंगामा काटा, साथ ही लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर प्रदर्शन भी किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे ACP स्वतंत्र सिंह ने सभी लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। उसके बाद समाजवादी क्षेत्र पंचायत सदस्य ब्लॉक अध्यक्ष उम्मीदवार दिलीप रावत ने सभी मतदाताओं को साथ लेकर अपने वोट डाले। लखनऊ के द लीफ होटल में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड राष्ट्रीय अध्यक्ष कमर रजा का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद कैफ, शेर जंग यादव प्रमुख महासचिव, साथ ही यूथ ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता के साथ तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय यूथ ब्रिगेड की तरफ से कमरदास साहब को, राष्ट्रीय अध्यक्ष कमरदास साहब को हम सब की तरफ से बधाई। मैं आए हुए तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे जन्मदिन के अवसर पे लोगों ने अपना प्यार दिखाया। मैं आभारी हूं और शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। जो ब्लॉक प्रमुख महिलाओं के साथ ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जो अभद्रता हुई है और जो मतलब प्रजातंत्र की उसको तार तार किया गया है, संविधान को एकदम ख़त्म करने का काम कर रही है बीजेपी, उसके लिए जिन भी सरकारी महकमों द्वारा, दरोगा और कांस्टेबल सिपाही जिसने द्वारा महिलाओं को मतलब हाथ लगाया गया है, उनके खिलाफ़ मुकदमा होना चाहिए। यही संविधान का नियम है हमारे भारत का और उनको न्याय मिलना चाहिए। पहले तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिवस पे जो भी लोग आए सभी को बधाई देना चाहता हूँ, और सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, लगभग पूरे प्रदेश के 75 जिलों में भी जो हमारी जिला कार्यकारिणी है, सभी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया है। सर्वप्रथम तो मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के
यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कमर रजा जी, जो कि हमारे भाई हैं, इनका आज जन्मदिन है। और संपूर्ण उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में यूथ ब्रिगेड की पूरी टीम, जिले की, नगर की, ब्लॉक की, तहसील की, वार्ड की, सभी लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाया है और मैं भी दिल की गहराइयों से इनको बहुत बहुत। बाराबंकी के देवा ब्लॉक से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने बड़ी जीत हासिल की है। वहीं सपा उम्मीदवार को 41 और भाजपा उम्मीदवार को 57 वोट मिले। आपको बता दें कि देवा ब्लॉक में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। देवा ब्लॉक में हर बार सपा उम्मीदवार ही प्रमुख रहा है। कहना चाहिए हरी बारिश वाली शाह की धरती देवा से जी, मैं आज भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है जी। हम चाहेंगे क्षेत्र की जनता का धन्यवाद देंगे जी, 50 लाख को धन्यवाद देंगे जी, क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देंगे। राजधानी लखनऊ के सभी ब्लॉकों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। गोसाईगंज से ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी विनय वर्मा ने जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 32 मतों से हराया। भाजपा प्रत्याशी की जीत पर समर्थकों में खुशी का माहौल है और जश्न मना रहे हैं। फूल मालाओं के साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने विनय वर्मा का स्वागत किया। गोसाईगंज ब्लॉक पर सुबह से शासन प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद थे। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने भी चुनाव स्थल का जायजा लिया। वहीं नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख विनय वर्मा ने बताया कि जो विकास पुरानी सरकार में नहीं हो पाया उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में आज प्रातः 11 बजे से मतदान लखनऊ के 8 ब्लॉकों के सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया है और यहां पे वर्तमान में गोसाईगंज में भी शांतिपूर्वक और मानकों के अनुरूप मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 11 बजे से 3 बजे तक मतदान का समय है और 3 बजे तक मतदान की समाप्ति के पश्चात 3 बजे से काउंटिंग प्रारंभ हो जाएगी। 8 जगहों पर काउंटिंग होगी और काउंटिंग के बाद जो प्रत्याशी विजयी होंगे वो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। प्रदेश में चल रहे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी के 300 से ज्यादा ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध जीते हैं। तो वहीं सुल्तानपुर लंबुआ से बीजेपी प्रत्याशी उर्मिला सिंह को 48 वोटों से हराकर कुंवर बहादुर सिंह और पप्पू या ढेला ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की है। 14 जगह ब्लॉक्स में से 8 जगह निर्विरोध निर्वाचन के फ्रंट, 6 जगह मतदान हुआ। कुछ इनिशियली लंबुआ में भीड़ लगने की शिकायत थी, इसलिए हमारी जो तस्करी टीम यहाँ पर भी आके कैंप की थी। अभी उसके बाद से यहाँ पर भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया है। जैसा फोन से सूचना प्राप्त हो रही है कि जनपद में सभी जगह मतदान संपन्न हो गया है। यहाँ लंबुआ में जो कैंडिडेट कुंवर जी थे उनकी 40, फिर भी भाजपा के लोग हमारे साथ रहे। बिकाऊ कैंडिडेट था वो सपा का, कत्ते कारणों से कहाँ से उसको टिकट मिल गया भाजपा का, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने जवाब दे दिया उनको, उनको फिर वहीं पहुंचा दिया। मैं भाजपा का साथी हूँ, भाजपा में पूरा जीवन बिता दिया। माननीय जी का समर्थन मेरे साथ नहीं था, माननीय जी भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं। उन्नाव जिले के मियागंज विकास खंड में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान सीडीओ ने कवरेज कर रहे एक पत्रकार को बुरी तरह से पीट दिया। सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने पत्रकार कृष्ण तिवारी को अपने सहयोगियों के साथ दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसके साथ ही वहां पर मौजूद अन्य लोगों को भी दिव्यांशु पटेल ने पीटने का इशारा कर दिया। दिव्यांशु पटेल ने न सिर्फ पत्रकार को पीटा बल्कि भद्दी भद्दी गालियां भी दी। आजमगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बद से बदतर है। जिला अस्पताल में एक्सरे के लिए लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि एक ही एक्सरे मशीन है जिसके जरिए जिंदा लोगों के साथ ही शवों का एक्सरे किया जाता है। आधुनिक पोस्टमार्टम हाउस में एक्सरे टेक्नीशियन तो हैं, लेकिन आज तक एक्सरे मशीन उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। इतना ही नहीं, साफ सफाई के अभाव में ये स्थान जगह जगह गंदगी से पटा पड़ा है। CMO AK मिश्रा ने बताया कि पोस्टमार्टम हाउस में एक्सरे मशीन लगवाना शासन का काम है। हमने पिछले 2 सालों से एक्सरे मशीन के लिए शासन को कोई पत्र नहीं भेजा, उससे पहले कोई भेजा होगा तो इसकी हमें जानकारी नहीं। आजमगढ़ जनपद में भारी सुरक्षा के बीच 17 ब्लॉक प्रमुख पदों पर मतदान हुआ। संवेदनशील ब्लॉकों पर पुलिस प्रशासन हर मोर्चे पर अलर्ट नजर आए। जिले में 22 ब्लॉक हैं, इसमें से 5 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने जा चुके हैं। 17 ब्लॉक प्रमुख पदों पर सपा, भाजपा और निर्दल समेत 43 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। सभी 17 ब्लॉक पर 1597 क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मतदान करना है। प्रमुख पदों के दावेदार और समर्थक अपने वोटरों और विरोधियों पर नजर रखने के लिए ब्लॉक मुख्यालय पर समय से पहले ही पहुंच चुके थे। वहीं सपा और भाजपा के दिग्गज नेता भी अपने कैंप सुबह से ही समर्थित BDC को सहेजते रहे।
यहाँ देख रहे हैं इस बेलरगंज ब्लॉक पे ऐसी सुरक्षा व्यवस्था हर जगह है। एक आउटर कॉर्डन लगा हुआ है दोनों तरफ, यहाँ बीच का कॉर्डन और अंदर जाके बिल्कुल आइसोलेशन कॉर्डन है, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है और बिल्कुल परफेक्ट व्यवस्था है। अंदर जो अंदर वाला आइसोलेशन कॉर्डन है उसमें वोटर्स के अलावा कोई नहीं जाएगा और जो अंदर एजेंट वगैरह है वो आज मिर्जापुर का क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो रहा है और प्रशासन बहुत चुस्त और दुरुस्त अपनी व्यवस्था से लगा हुआ है और सभी लोग अपने सहमति से अपना वोट डाल रहे हैं। जिस तरह से अन्य ब्लॉकों में कल पर्चा दाखिला करते समय बवाल हुआ, मारपीट हुआ, क्या इस तरह से ऐसी भी यहाँ भी कुछ है? नहीं, हमारे मिर्जापुर ब्लॉक में कहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे मिर्जापुर ब्लॉक जो क्षेत्र आता है, सरायमीर क्षेत्र आता है, यहाँ के प्रभारी श्री अनिल कुमार सिंह जी हैं जो बहुत ही टाइट अपने को रखते हैं कि कहीं से भी। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।